आज हम आपका सेशन 4 जो है वायरलेस सर्विसेज एंड टैरिफ्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वायरलेस सर्विसेज को जानने से पहले हमें सबसे पहले वायरलेस वर्ड कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है वायरलेस। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये होता क्या है? तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम बिना वायर्स के अपने मैसेज को या अपनी ऑडियो को या वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसे हम लोग वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग बिना किसी तारों की सहायता से अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं जैसे आपके मोबाइल फोन, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स, ठीक है, जिनकी सहायता से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन बिना किसी वायर्स के कंप्लीट कर पाते हैं। तो अब आपका जो यहाँ पे टॉपिक है वायरलेस सर्विसेज, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वायरलेस सर्विसेज क्या होती हैं? तो जो भी हमारे पास वायरलेस डिवाइसेज हैं जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, ठीक है, इन पे हम लोग जो अलग अलग सर्विसेज यूज करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के द्वारा जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्विस होगी आपकी, वैल्यू एडेड सर्विसेज होगी, सेलुलर सर्विसेज होगी, ठीक है, किसी कंपनी द्वारा ये सारी सर्विसेज हमारे वायरलेस हैंडसेट या हमारे वायरलेस डिवाइसेस के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो इन सारी सर्विसेज को हम लोग वायरलेस सर्विसेज कहते हैं। आगे है आपका वायरलेस सर्विसेज में मोबाइल टैरिफ। ठीक है, मोबाइल टैरिफ होता क्या है? ठीक है, मोबाइल टैरिफ सिंपल वर्ड्स में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक समझौता होता है एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे कि BSNL हो गया, एयरटेल हो गया। ठीक है, अगला इसमें यूजर, जो हम लोग उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, और तीसरा है इसमें ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और चौथा है इसमें गवर्नमेंट। ठीक है, इन चारों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिंपल शब्दों में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये अलग अलग तरह की कंडीशंस इसमें डिफाइंड की जाती हैं, जैसे कि रेट, फीस, चार्जेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी कंपनी का रिचार्ज करवा रहे हैं तो कितने रुपए में मिलेगा, ठीक है, या इसकी वैलिडिटी कितनी होगी। ठीक है, कंपनी हमें कौन कौन सी अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस प्रोवाइड करवा रही हैं, उन सब के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसको मोबाइल टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, आगे एक लिंक दिया गया है मोबाइल टैरिफ के बारे में, यहाँ पे भी आपको डाटा मिल जाएगा। अगला है मोबाइल रिचार्ज। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि जैसे सबके पास मोबाइल फोन्स होते हैं आजकल, तो मोबाइल फोन यूज करने के लिए हमें हमारे पास मोबाइल का रिचार्ज होना भी जरूरी है। ठीक है, बिना रिचार्ज के हम लोग ना तो बात कर सकते हैं ना इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, तो ए प्रीपेड मोबाइल फोन इज ऑल्सो नोन एज पे एज यू गो, पे एज यू टॉक, पे एंड गो और प्री पे। ठीक है, सिंपल शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने मोबाइल सर्विसेज अगर यूज करनी है तो उसके लिए हमें पहले उसकी हमें अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, कि अलग अलग सर्विसेज यूज करने से पहले हमें अपने फोन में क्रेडिट डलवाना पड़ेगा। ठीक है, इस क्रेडिट को हम लोग दो तरह से डलवा सकते हैं। ठीक है, या तो प्री पेड, ठीक है, या तो हम लोग सर्विस यूज करने से पहले उसको रिचार्ज करवाते हैं अपने मोबाइल फोन या डिवाइस जो भी है, और दूसरा है पोस्ट पेड, जिसमें हम लोग मोबाइल फोन या मोबाइल कंपनीज की सर्विसेज यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम बिल पेमेंट करते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन को हम लोग रिचार्ज अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, या तो किसी रिटेल शॉप पे जाके, या फिर आजकल ऑनलाइन मेथड हैं बहुत सारे, वहां से हम लोग मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मोबाइल प्लान्स। ठीक है, अब मोबाइल प्लान्स क्या होते हैं? मोबाइल प्लान सिंपल एक बिलिंग मेथड होता है। ठीक है, जो हम लोग सर्विस यूज कर रहे हैं उसके बदले में हम लोगों ने जो भुगतान करना है कंपनी को, वो एक मेथड है। ठीक है, उसको मोबाइल प्लान्स कहते हैं। मोबाइल प्लान्स दो तरह के हैं, प्रीपेड और पोस्ट पेड, जो मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, प्रीपेड मतलब प्री मतलब पहले, कि हम लोगों ने किसी कंपनी की सर्विस यूज करनी है तो उससे पहले हम लोगों को उस कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रीपेड मतलब पहले ही हमको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। पोस्ट पेड मतलब पोस्ट का मतलब है बाद में। ठीक है, तो पोस्ट पेड में हम लोग किसी कंपनी द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है
उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद महीने के अंत में हम उसका पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल प्लान्स दो तरह के हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। अगला आपका टॉपिक है वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, तो वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जो रिचार्ज करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों को अगर सिंपल जो कोर सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी या फैक्स की फैसिलिटी मिलेगी, इन सब के अलावा जो भी सर्विसेज हम लोग फ़ोन में यूज़ करेंगे उनके लिए हमें अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। उन सारी सर्विसेज को हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि इन सर्विसेज में, जैसे कि SMS पैक हो गया, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी अलर्ट हम लोगों ने लगा लिया, क्रिकेट अलर्ट्स लगा लिए, ठीक है, इन सब, ये सब हमें वैल्यू एडेड सर्विसेज में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम लोगों ने इंटरनेट चलाना है, डाटा एक्सेस करना है, तब भी ये सारी सर्विसेज VAS में आएंगी। सिर्फ जो मोबाइल की कोर सर्विसेज हैं, कॉलिंग और फैक्स सर्विसेज, इनको छोड़ के जो बाकी सर्विसेज हम लोग अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं उनको वैल्यू एडेड सर्विसेज कहा। अगला टॉपिक है आपका SMS पैक। SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसमें हम लोग एक लिमिटेड वर्ड्स का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, या एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में भेज सकते हैं। इसमें 180 वर्ड्स का हम लोग मैसेज एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में भेज सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है मोबाइल इंटरनेट। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट, इंटरनेट आप सबको पता है, ठीक है, तो जो इंटरनेट हम लोग मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं उसको हम लोग मोबाइल इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो मोबाइल इंटरनेट रेफर्स टू एसेस टू द इंटरनेट वाई सेलुलर टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वाईफाई एंड अदर बेटर मेथड्स आर कॉमनली अवेलेबल फॉर यूजर नॉट ऑन द मूव। ठीक है, तो सिंपल से शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन पे हम लोग इंटरनेट एसेस करते हैं उसे मोबाइल इंटरनेट कहा जाता है। में आपका असेसमेंट, ठीक है, तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में करना है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया है, व्हाट इज़ मोबाइल वायरलेस सर्विसेज, शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट, SMS पैक, मोबाइल ब्रॉडबैंड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है।